हेलो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड स्टैंडर्ड एंगल एक्सरसाइज 18.1। ये बुक क्लास 9th ML अग्रवाल की है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30° अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 30°। इसका सेकेंड क्वेश्चन है साइन 45° कॉस 45° कॉस 60° अपॉन साइन 60° कॉस 30° और 45°। तो पहले इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं, फर्स्ट वाले को। अब देखो, ऐसे इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया। अब देखो, 1 माइनस कॉस 30° अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 30°, इस पे क्या लगा है रूट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा अपने प्लेस में है और एक कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा अपने प्लेस में है, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऑलरेडी फॉर्मूले होते हैं और यहाँ पे हमें दे रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30° अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 30°। तो हम क्या करेंगे कि रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30°, 30° मीन्स थीटा इक्वल्स टू 30°। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30° के प्लेस में लिख देंगे साइन स्क्वायर 30° और 1 माइनस साइन स्क्वायर 30° के प्लेस में लिख देंगे कॉस स्क्वायर 30°। अब देखो, अब हमें पता है साइन 30° की वैल्यू और कॉस 30° की वैल्यू। साइन 30° की वैल्यू होती है 1/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ऐसे ही कॉस स्क्वायर 30° की वैल्यू रूट 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको ओपन कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब इसका क्या क्या रूट के अंदर ही रेसिप्रोकल कर दिया, 1/4 × 4/3, 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/, और ये अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट, ये आ जाएगा 1/√3 आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट है साइन 45° कॉस 45° कॉस 60° अपॉन साइन 60° कॉस 30° साइन टेन 45°। अब देखो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और टेन 45 की वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 × 1 = 1, √2 √2 2, 1/2 एज इट इज आ जाएगा, √3 √3 3 होता है, 2 × 2 = 4 और ये 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1, 2 × 2 = 4 और ये हो जाएगा 3/4। अब क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/4 × 4/3, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो आज के लिए इतना ही।